हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो अगर आप वरिंदर की रसोई को आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपको गाजर का हलवा नहीं बनाना आता, अलसी की पिन्नी, मतलब ऐसे स्वीट्स और नमकीन चावल वगैरह नहीं बनाने आते, आप इनके यूट्यूब चैनल पर विजिट करो और बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना आपको देखने को मिलेगा और आप बना भी सकते हो। सो गाइस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, उनके $100 कंप्लीट हो गए हैं। और $100 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है उसका प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सबसे पहले गाइस, होता क्या है, हमें स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। स्विफ्ट कोड होता क्या है, जैसे हमारा IFSC कोड होता है बैंक का, वैसे उसी बैंक का स्विफ्ट कोड होता है हमारा जो इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जैसे जिम लवर्स यूट्यूब चैनल था, उसकी $100 के मेरा $100 हो गए थे, तो उसकी मेरी पेमेंट आनी थी $100 की। 2-3 महीने पहले $100 हुए थे तो पेमेंट आनी थी। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि स्विफ्ट कोड कहाँ से पता करूँ, क्योंकि गैस अगर एक बार स्विफ्ट कोड आपने गलत डाल दिया आपको फिर से 5-10 दिन के लिए इंतजार करना पड़ता है। यूट्यूब पेमेंट हमें 23 तारीख को दे देता है, 23 तारीख को हमें सैलरी मिल जाती है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। सो स्विफ्ट कोड हमें कहाँ से पता करना चाहिए, मेरी मानो आप इंटरनेट से ना पता करो, ठीक है। आपको अगर स्विफ्ट कोड पता ही करना है, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल करो। OBC जैसे मेरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, मैंने स्विफ्ट कोड जानने के लिए कस्टमर केयर को कॉल किया, ठीक है। कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बस वेरिफिकेशन की, मेरा नाम, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, क्या मेरा बैंक अकाउंट नंबर OBC में है, अगर है तो फिर वो स्विफ्ट कोड मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे स्विफ्ट कोड दिया, वो मैंने अपने जो जिम लवर्स के पेमेंट मेथड आता है एडसेंस, गूगल एडसेंस आपने खोलना है, वहाँ पे आएगा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड्स में आपने अपना इन्फॉर्मेशन डाल देनी है कि जो आपका नाम होना चाहिए अकाउंट में और जो ईमेल आईडी में वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट में और एक होता है नेम, एक होता है अकाउंट नेम, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी वेरिफिकेशन अच्छी से हो जाएगी और आपकी पेमेंट आराम से आ जाएगी। जैसे ही आपने अगर वो पेमेंट मेथड क्रिएट कर लिया, आपको दोबारा स्विफ्ट कोड डालने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको आराम से हेल्प मिलती रहेगी वो वीडियो से, मतलब वो इस वीडियो से हेल्प मिलती रहेगी और आपको स्विफ्ट कोड डालने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली वो पेमेंट आती रहेगी, ठीक है। तो पेमेंट आप स्विफ्ट कोड आपको पता लग गया है, तो जैसे ही जिनके भी $100 पूरे हो गए उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ऑल जिनको ये $100 पूरे हो गए, ठीक है। तो YouTube के रिलेटेड मैं टिप्स लाता ही रहता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। गाइस, एक और केस बताता हूँ कि स्विफ्ट कोड का क्या केस है। जैसे अगर आपने गलत स्विफ्ट कोड डाल दिया तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो और वेरिफिकेशन में चला जाता है, ठीक है। तो आपको अगर स्विफ्ट कोड जानना है, सबसे पहले इंटरनेट खोलिए, गूगल पे टाइप करिए इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। अगर वो नहीं होता तो कस्टमर केयर से अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए स्विफ्ट कोड के लिए, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले, ठीक है। आपका अकाउंट खुद का होना चाहिए, आप अपने मम्मी पापा का दे सकते हो, बैंक अकाउंट में ही पैसे आते हैं गूगल की तरफ से। पहले जो होता था, पहले जो पेमेंट आती थी वो चेक के थ्रू आती थी, क्योंकि पहले स्विफ्ट कोड वाला सिस्टम नहीं होता था, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था सिस्टम। लेकिन आजकल के ज़माने में इतना एडवांस सिस्टम हो चुका है कि स्विफ्ट कोड से हम कहीं भी पैसे भेज सकते हैं और हमारे अकाउंट में आ सकते हैं। तो यही थी वीडियोस मेरे इसी बारे में कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और आप अपनी पेमेंट कैसे ले सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बना रहा हूँ। तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए ताकि आप मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल यूट्यूबर्स जिनके 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।